बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम नेटवर्किंग का लेसन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे OSI मॉडल के ऊपर। और OSI मीन्स क्या होता है कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो हम इस बारे में आज इस टॉपिक के ऊपर हम अपने डिस्कस करेंगे, अपने क्लास को लेकर चलेंगे। तो उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि जब हम गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो किस तरह से आ जाती है, या फिर कभी आप लोगों ने ये देखा है कि हम व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसका रिप्लाई हमारे पास आता है, तो वो हमारा मैसेज किस वे के अंदर जो है ट्रेवल कर रहा है और किस वे के अंदर जो है हमारे पास वापस आ रहा है। या फिर आप लोगों ने कभी ये नोट किया है कि साइबर क्राइम जो लोग करते हैं, मतलब उसको डायरेक्टली जो है किस तरह से डायरेक्ट एक्सेस कर लिया जाता है किसी भी जगह से, कि ये शख्स वहाँ बैठकर इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के इस लेसन के अंदर। तो इससे पहले हम ये भी बात करते चलें कि इससे पहले जो हमने क्लासेस ली थी, अगर आप देखें उसके अंदर, तो हमने उसके ऊपर जो है दो मॉडल्स के ऊपर बात की है। नंबर 1 पीयर टू पीयर मॉडल और नंबर 2 था हमारा सर्वर क्लाइंट मॉडल। और ये आज तीसरा मॉडल हम बात कर रहे हैं जिसके ऊपर, और वो है OSI मॉडल। और OSI मॉडल के अंदर हम देखेंगे कि हमारा डेटा किस तरह से ट्रेवल करता है और किस तरह से रिट्रीव किया जाता है और किस तरह से हमारे पास सेंड बैक होता है। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि आज हमारे पास कुछ नया सीखने के लिए क्या है। देखें, OSI मॉडल के अंदर जो है 7 लेयर्स होती हैं। लेयर्स मीन्स, या ये कह लीजिए कि 7 एक्टिविटीज़ होती हैं डेटा की जिसके ऊपर वो ट्रेवल कर रहा होता है। तो हम लेयर्स का नाम देंगे उसको, और ये 7 लेयर्स के अंदर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक छोटा सा हमने चार्ट बनाया जिसके अंदर आप इजीली समझ सकते हैं। तो इसके अंदर देखें, सबसे पहले हमारे पास 7 लेयर्स के अंदर आप देखेंगे, नंबर 1 पर है एप्लीकेशन, उसके बाद है प्रेजेंटेशन, उसके बाद है सेशंस, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद जो है डेटा लिंक, और उसके बाद जो है फिजिकल। तो ये 7 जो है वो लेयर्स हैं। इन 7 लेयर्स के ऊपर जो है हमारा डेटा ट्रेवल करते हुए जाता है। अब और दूसरा साइड पर आप दूसरे साइड पर देखिए, दूसरे साइड के ऊपर आपको क्या मिलेगा कि दूसरे साइड के ऊपर आप देखें कि यहाँ पर नीचे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर अपना ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन। तो सपोज कर लीजिए कि अगर आप कोई अपने एक मोबाइल, आपका जो है उस साइड पर एक मोबाइल है, दूसरी साइड पर दूसरा मोबाइल है, आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के ऊपर जो है व्हाट्सएप से या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है। तो आपका मैसेज जो है वो ट्रेवल करेगा सबसे पहले एप्लीकेशन से होता हुआ प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, और फिर फिजिकल। फिर फिजिकल के बाद से फिर नीचे से देखें, फिर जब रिसीवर के पास जाएगा तो जस्ट उल्टा, मतलब दूसरी साइड से रिवर्स होकर जाएगा, मतलब उसके पास जाने के लिए वो ट्रेवल करेगा सबसे पहले फिजिकल के थ्रू, उसका डेटा लिंक, उसका नेटवर्क, फिर उसके बाद जो है सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, और फिर एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वापस उसके पास वो हमारा मैसेज मिलेगा, उसको रिसीव होगा। इसी तरह से जब वो हमें आंसर करेगा तो फिर वो मैसेज हमारा एप्लीकेशन से फिर इस तरह से, मतलब अप एंड डाउन और डाउन टू अप, इस तरह से हमारा ये मैसेज चलता है। तो ये इसके अंदर 7 लेयर्स हैं। इन 7 लेयर्स के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, और कौन कौन सी जो है डिवाइसेस इंक्लूड होती हैं इसके अंदर इस्तेमाल में आती हैं, तो वो हम सब कुछ आज इस लेसन के अंदर सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आगे और मज़ीद क्या है इसमें। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो 7 लेयर्स हैं और उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और उनके ऊपर प्रोटोकॉल्स कहाँ कहाँ पर परफॉर्म्स होते हैं। तो देखिए, हम इस चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो है इनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशंस के ऊपर। हमारे जो भी मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जिस तरह की एप्लीकेशंस मौजूद हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा मैसेज सेंड करने का ही यही प्लेटफॉर्म होता है। तो स्टार्टिंग यही होती है। ये समझ लीजिए कि जब आप अपना मैसेज या कोई फाइल या कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं तो मेन प्लेटफॉर्म आपका यही होता है। तो एप्लीकेशन के अंदर हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाएगा टेलनेट। टेलनेट मीन्स कि टेलनेट के सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हम एक नेटवर्क के ऊपर रहते हुए 2 कंप्यूटर के साथ आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब जिसे हम कहते हैं रिमोट एक्सेस कंप्यूटर कर सकते हैं, तो वो टेलनेट सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। तो वो भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर आता है। ज़ाहिर है एप्लीकेशन
होगी तो उसके थ्रू ही जो है हम एक दूसरे पीसी के साथ जो है इंटरकनेक्शन कर सकेंगे। दूसरा इसके अंदर है यहाँ पर FTP। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हम जो भी अपनी फाइल्स की ट्रांसफरिंग करते हैं उसके ऊपर प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है सारा कि वो कौन से कितने प्रोटोकॉल्स उसके ऊपर मौजूद हैं। इसके बाद है यहाँ पर SMTP। SMTP का मतलब है सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल या ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं इसको। ये भी मतलब हम अपनी ईमेलिंग वगैरह जो करते हैं वो भी एप्लीकेशन के ऊपर रहते हुए करते हैं तो वो भी इसके अंदर आता है। इसके बाद यहाँ पर HTTP है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये हम इंटरनेट के एड्रेस से पहले आप देखिएगा कभी HTTP लिखा होता है फिर WWW से शुरू होता है तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब ये भी एक तरह का प्रोटोकॉल है जो आपके जो है इंटरनेट को एक्सेस करने में मदद देता है। इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर DNS। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ज़ाहिर है आपका कोई डोमेन नेम होगा तो वो उस सिस्टम के अंदर जाकर जब भी आप कोई एक्सेसिंग कर सकें या जब भी आप कोई ईमेलिंग या कोई मैसेज की ट्रांसफरिंग कर सकेंगे वो इसके अंदर मौजूद होता है। इसके बाद जो है यहाँ पर DNS के बाद जो है SMNP भी होता है तो मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी होता है। और इसके अलावा मज़ीद इसके अंदर जो है और भी चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल हमने देखा कि एप्लीकेशन के अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू हम अपना मैसेज अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। और इसमें हम अगर देखें तो ये भी इसका एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक्टिविटीज़ ये है कि टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। मतलब ये अलाउ करता है कि आपके जितने भी नेटवर्क के रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल में लाते हुए आप अपना जो है काम स्टार्ट कर सकें। तो ये हमारी एप्लीकेशन का लेयर होता है जो कि हमारे OSI मॉडल के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट दूसरा हम इसके अंदर देखते हैं। दूसरा हमारे पास है यहाँ पर सेकेंड नंबर पर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के अंदर क्या आता है कि इसकी अगर हम एक्टिविटी देखें तो ये होगा टू टर्मिनेट इनक्रिप्ट एंड कंप्रेस डेटा। मतलब इसकी ये एक्टिविटी होती है। मतलब सपोज करें कि अगर आपने कोई डेटा सेंड किया है तो जैसे हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो वो जो है इनक्रिप्ट हो जाता है, इनक्रिप्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कि अगर ऑन द वे कोई उसको जो है अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस भी करना चाहे तो वो उसके काम का नहीं होगा क्योंकि वो इनक्रिप्ट कंडीशन के अंदर होगा। जबकि अगर जो हमारा रिसीवर होगा उसको जब वहाँ पहुँचेगा तो वो डिक्रिप्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा तो वो इजीली मतलब पढ़ सकता है या देख सकता है। जबकि अगर बीच में कोई उसको अनऑथोराइज पर्सन लेना चाहे तो वो उसके किसी भी काम का नहीं होगा क्योंकि वो इनक्रिप्ट कंडीशन के अंदर होगा। और फिर उसका जो है हमारे डेटा को जो भी ये कंप्रेस कर देता है। तो ये प्रेजेंटेशन के जो एक लेयर है OSI मॉडल के अंदर। इसके बाद तीसरा हम देखते हैं वो है सेशन। सेशन के अंदर क्या होता है कि इसी अगर हम एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करें तो इसमें आपको मिलेगा टू इस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशंस। तो सेशन के अंदर क्या काम होता है कि ये आपका जो है डेटा को जो है इस्टेब्लिश करता है और फिर उसको मैनेज करता है। मिसाल के तौर पर जब हम गूगल के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते हैं, कुछ चीज़ लिखते हैं तो वो उसको किस तरह से लेकर आता है आपके लिए। सपोज करें कि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं मैकडोनल्ड्स के लिखने के बजाय आप उसके ऊपर लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म के अंदर MCD, तो क्या करेगा कि जब आप MCD करके एंटर करेंगे तो वो जाएगा और उसको वहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में मिलेंगे MCD से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें। तो अब आपने जो चीज़ मांगी है अब वो चीज़ देखेगा कि वो कितना उसके अंदर लोगों ने सर्च किया और कितना उसको प्रायोरिटी पे कौन सी चीज़ है तो वही चीज़ वो आपके पास लेकर आ जाएगा। तो वो लाजमी आप चेक ट्राई भी करके देख लीजिएगा। तो वो आप जैसी ही MCD लिखकर एंटर करेंगे तो वो आपको मैकडोनल्ड्स का जो है वो डिटेल लेकर आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं सेशंस के अंदर, जिसके अंदर वो आप जो कुछ भी मैसेज अपना या कोई किसी भी तरह की अपनी क्यूरीज जो है सेंड करते हैं
सिस्टम के वो देते हैं, कोई कमांड देते हैं, तो उसको किस तरह से वो मैनेज करता है और किस तरह से एस्टेब्लिश करके मैनेज करके वो आपको जो है रिट्रीव करके वापस सामने लेकर आ जाता है। तो ये भी हमारे पास जो है एक लेयर है सेशन वाली। और उसके बाद फिर हमारे पास है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होता है कि आपका डेटा ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार है, मतलब जाने के लिए तैयार है, लेकिन वो एकदम से तो आपने हेलो हाय लिखा किसी को तो वो डायरेक्टली जो है वो तैयार नहीं होता। उसके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो हम अभी नीचे चलकर देखेंगे कि वो क्या क्या होते हैं, फिर कहीं जाकर उसको ट्रांसपोर्ट के ऊपर आता है। ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपको मिलेगा सबसे पहले SCTP, मतलब स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेटवर्क के ऊपर भी जो है प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ये हमारे लिए होगा कि जैसे कोई वीडियो आपने सेंड की है तो वीडियो की स्ट्रीमिंग को कंट्रोल करेगा वो। दूसरा इसके अंदर होता है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीमिंग की कंट्रोलिंग हो रही है वो वाया प्रोटोकॉल के थ्रू, तो वो उसको कंट्रोल करता है ये वाला। उसके बाद जो होता है, इसके बाद जो आपका आता है वो होता है UDP, मतलब यूजर डेटाग्राम और प्रोटोकॉल। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ये भी एक फीचर है जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो है परफॉर्म्स कर रहा होता है हमारे डेटा के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क। और नेटवर्क लेयर के ऊपर आप सबसे पहले देखेंगे IP, और IP के अंदर जो है आपको जो है मतलब कंप्यूटर जो है असाइन करता है कोई भी IP एड्रेस जो कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये शख्स इस IP के ऊपर रहते हुए ये एक्टिविटी कर रहा है। तो IP इसके अंदर होती है। बाकी इसके अलावा इसके साथ जो है वो ARP होता है, मतलब एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि आपका एड्रेस को वेरीफाई करता है और उसी एड्रेस के ऊपर पहुंचता है। मतलब सपोज अगर आपने किसी को मैसेज सेंड करना तो ऐसा था वो इधर उधर किसी और को चला जाए, किसी और के नंबर के ऊपर चला जाएगा, किसी और के आईडी के ऊपर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है नेटवर्क के ऊपर ये वाला लेयर के अंदर ये काम करता है ARP। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको और भी मिलेगा, मतलब RARP, मतलब इसमें आपको हो जाएगा ये रिवर्स एड्रेसेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी इसके अंदर जो है मतलब करता है, क्योंकि जब एक चीज़ एड्रेस पे मैसेज जाएगा तो रिवर्स भी होगा, तो वो भी जो है इसकी एक्टिविटीज़ की है, इसकी एक्टिविटी है। बाकी इसके अलावा जो है इसमें आप देखेंगे ICMP भी है, मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आपका जो है पूरा जो भी मैसेज है उसको प्रॉपर वे में कंट्रोल करते हुए लेके जाएगा और कंट्रोलिंग के साथ ही आपका मैसेज वापस लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी शख्स के साथ बात कर रहे हैं तो बीच में से कोई भी इंटरफेयर होकर आपकी बातें सुन रहा है या आपके मैसेज का जवाब दे रहा है, तो वो आपको भी जवाब आ रहा है या उसको भी जा रहा है। हाँ, अगर आप ग्रुप में तो वो अलग बात है, लेकिन सेपरेटली अगर आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं तो उसमें जो है ये वाली चीज़ बड़ी मतलब इस लेयर के अंदर काम करती है, जिसे हम कहते हैं ICMP, मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिलेगा IGMP मिलेगा। इसमें क्या होगा कि इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब वही बात आ गई, अब अगर आप ग्रुपिंग के अंदर चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई चीज़ शेयरिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर जो है इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ये नहीं कि ग्रुप का जो है इंडिविजुअल में मिक्स कर दे या इंडिविजुअल का ग्रुप में मिक्स कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो इसके साथ जो है यहाँ पर और भी लॉजिकल एड्रेसेस हैं, और इन लॉजिकल एड्रेसेस के थ्रू क्या होता है कि आपका जो है इसके अंदर, इसमें होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि अगर कोई भी शख्स किसी भी जगह पर बैठकर कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो साइबर क्राइम्स वाले जो है जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग होते हैं वो इसी पॉइंट के थ्रू या नेटवर्क के इस जो हम मतलब जो हम बात कर रहे हैं मॉडल की, नेटवर्क के इस मॉडल के इस लेयर के थ्रू और इस पॉइंट के थ्रू जो है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं और क्विकली उसके पास जो है पहुंच जाते हैं या जो भी उसको जो है कंट्रोल में ले लेते हैं। तो ये जो है ये लॉजिकल एड्रेसेस इसके अंदर होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था नेटवर्क का। उसके बाद नेक्स्ट लेयर हम देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट लेयर हमारे पास आ गई डेटा लिंक। और डेटा लिंक के अंदर क्या होता है कि टू ऑर्गेनाइज बिट्स टू इनटू फ्रेम एंड सेंड होम टू होम। मतलब इसमें होता क्या है कि
आपका जो भी डेटा है वो पहले कंप्रेस होता है बाइनरी, तो जाहिर है आपको पता है कि बाइनरी कोड के अंदर हमारा डेटा होता है, उसके बाद वो बिट्स में कन्वर्ट होता है, और बिट्स के बाद फिर फ्रेम में कन्वर्ट होता है, और फिर फ्रेम के बाद वो पैकेट में कन्वर्ट होता है, फिर वो ट्रेवल होता है। जस्ट लाइक जैसे हम किसी को गिफ्ट भेजते हैं तो डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर भेजते हैं ना, पैकेट बनाकर भेजते हैं, इसी तरह से हमारा डेटा, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, साउंड हो, वीडियो हो, एवरीथिंग, जिस तरह का भी आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए आप उसको सेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो बिट के अंदर कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होगा। तो 1500 बिट इक्वल टू वन फ्रेम, इट मीन्स कि एक फ्रेम के अंदर 1500 मतलब 1500 बिट होते हैं वो एक फ्रेम कहलाता है, और वो फ्रेम कन्वर्ट होता है पैकेट के अंदर, और पैकेट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद फिर वो ट्रांसफर होता है। तो ये जो हमारे पास था डेटा लिंक, डेटा लिंक के अंदर जो आपको IEEE जो मिलेगा, आपको पोर्ट के नाम है इसके अंदर, बाकी इसमें जो है TR है और FTDI है, मतलब ये समझ लीजिए कि फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है, और फिर यहाँ पर आपको PPP है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल के थ्रू जो है आपका पॉइंट टू पॉइंट वर्क करता है। तो ये भी जो है डेटा लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर जो है हमारा डेटा जो है वो बिट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करता है, और फिर फ्रेम को जो है वो ले जाता है आगे मजीद उसके लिए, मतलब जहाँ पर उसने और आगे मजीद ट्रेवल करना है हमारे डेटा ने। उसके बाद हमारे पास है लास्ट ये फिजिकल, और फिजिकल के अंदर क्या होता है कि फिजिकल के अंदर जो है आप मीडियम है या कोरेक्स है या फाइबर है या वायरलेस है, मतलब फिजिकल मतलब आपको कोई, मतलब इंटरनेट इस्तेमाल करने से पहले आपको कोई वायरलेस चाहिए, आपको एक मोबाइल भी चाहिए, और वो और उसके अंदर बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए, मतलब ऑन होना चाहिए, इंटरनेट भी होना चाहिए, और उसके साथ जो है आपको इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई के थ्रू हो या फिर लैपटॉप भी यूज़ करें तो वायर के थ्रू हो या नेटवर्किंग के थ्रू हो, तो मतलब फिजिकली चीज़ें होंगी तो फिर आप उसको एक्टिविटीज़ को जो है अपना काम को मतलब आगे बढ़ा सकेंगे। तो ये कुछ इसके अंदर यहाँ पर ये 7 लेयर्स थी जिसके अंदर हमने इनको बड़ा मतलब तफसील के अंदर डिस्कस किया। अब ये तो अब एक पॉइंट और हम इसके अंदर देखते हैं कि सपोज करें ये जो चार्ट आपके पास सामने दिख रहा है कि हमारे पास जो डेटा प्रोटोकॉल एंड उसकी एक्टिविटीज़ थी सारी जो हमने डिस्कस की है, और ऊपर एप्लीकेशन से लेकर नीचे फिजिकल तक था। अब हम बात करते हैं कि सपोज करें कि हम एक मैसेज सेंड करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे शख्स को, ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो वर्क होगा, सपोज करें अगर हम वो हमारा मैसेज किसी को सेंड हो रहा है, तो सेंड होने के लिए हमारे पास यहाँ पर होगा सबसे पहले फिजिकल के अंदर क्या होगा कि वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, इंटरनेट, फाइबर ऑप्टिक, ये वो एवरीथिंग। उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा लिंक के ऊपर आएगा आपका, और डेटा लिंक के बाद जो है आप का मतलब ये है कि वो बिट में कन्वर्ट होगा, बिट के बाद जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रेम के अंदर, तो मे बी कि शायद फर्स्ट टाइम में जो है वो बिट के साथ डायरेक्ट फ्रेम के अंदर कन्वर्ट हो गया हो, अब वो कन्वर्ट होने के बाद वो रेडी है अब नेटवर्क के ऊपर जाने के लिए, और नेटवर्क के अंदर जो है वो IP प्रोटोकॉल ये वो सारे और पोर्ट वगैरह जो है इसके अंदर इस्तेमाल में आती है, तो उसको बोला गया है कि भाई अब तुम तैयार हो ट्रांसपोर्ट के लिए। अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट के लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर आके ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पर जो है स्ट्रीमिंग वगैरह जो है जो भी कंट्रोलिंग की है स्ट्रीमिंग उसमें, उसके बाद फिर जो है सेशन के अंदर आया, सेशन के बाद जो है ये प्रेजेंटेशन के अंदर आया, प्रेजेंट इनक्रिप्ट के अंदर जो है उसने डेटा को मौजूद था, तो जब हमारे दूसरे शख्स को उसको मैसेज रिसीव होने वाला है तो उसको जो है वो डिप्रेस कर देगा, और फिर वो करने के बाद फिर वापस हमारे जो है एप्लीकेशन के ऊपर हमारा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से सेंड वो करेगा तो रिसीव करेगा, तो इस तरह से ये एक साइकिल सर्कल जो है चलता रहता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज के जो है OSI मॉडल के अंदर जो है 7 लेयर्स होती हैं, और 7 लेयर्स के अंदर जो है हम किस कौन कौन सी लेयर्स जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रही होती है हमारे डेटा के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर, चाहे वो आपका टेक्स्ट डेटा हो या न्यूमेरिक हो, करेक्टर्स हो या वीडियो हो, साउंड हो, एवरीथिंग, किसी भी टाइप का आपका डेटा जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो लाइट की स्पीड में, तो उसके अंदर कितने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होते हैं, कितने जो है इसके अंदर जो है डिवाइसेस यूज़ होती हैं, और कितनी जो है इसके अंदर वो सारा वो उसको मैनेज करके लेकर चल रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेसन के अंदर हमने देखी। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर।
जी स्टूडेंट्स, तो आज के लेसन के अंदर हमने देखा है कि OSI मॉडल्स के अंदर जो 7 लेयर्स होती हैं या 7 एक्टिविटीज़ हो कह सकते हैं हम इनको, तो इन 7 लेयर्स के अंदर जो है वो किस तरह से हमारा डेटा ट्रबल करता है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो आई होप कि आज के लेसन के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो हमें नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर आपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज़।